स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरठ और जालंधर में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की सामग्री पाई जाती है। वहीं मेरठ के क्रिकेट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ की फुटबॉल भी काफ़ी फेमस है, जो कि विदेशों तक में सप्लाई होती है। एक फुटबॉल को बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएँ पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले फुटबॉल का डिज़ाइन बनाना पड़ता है, डिज़ाइन बनाने के बाद उसकी सिलाई होती है, सिलाई बनाने के बाद उसमें अन्य प्रकार की जो प्रक्रियाएँ हैं उसको पूरा करना पड़ता है, फिर उसकी धुलाई भी की जाती है, तब जाकर यह फुटबॉल तैयार होती है। फुटबॉल तैयार करने में जहाँ मशीनों का उपयोग किया जाता है, वहीं हाथ की कारीगरी भी देखने को मिलती है। बताते चलें कि मेरठ में बड़ी मात्रा में फुटबॉल भी बनाई जाती हैं, जिसकी विदेशों में सप्लाई की जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, वहीं हाथ की सभी प्रकार की कारीगरी देखने को मिलती है। उसके बाद इनको बाजारों में सप्लाई किया जाता है। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये फुटबॉल बनाई जा रही है, लोग जो कि कई डिजाइन की बनाई जाती है। देखा जाए मेरठ में बड़ी मात्रा में फुटबॉल भी बनाई जाती है, क्या यहाँ की फुटबॉल की विशेषता रहती है, क्या बाहर भी विदेशों में सप्लाई? जी हाँ बिल्कुल, मेरठ में फुटबॉल चार तरह के मटेरियल में बनाई जाती है, जो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा बिकती है PU, PVC, एक लेदर में और एक रग्बी मटेरियल में बनाई जाती है। और इसे भी दो तरह से बनाया जाता है, एक मशीन स्टिच होती है और एक हैंड स्टिच होती है। जो हमारे यहाँ की लोकप्रिय है वो हैंड स्टिच बॉल जो है, वो काफ़ी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से बाहर भेजी जाती है। बिल्कुल सारी सामग्री तैयार होती है, और यहाँ की क्रिकेट से लेकर क्रिकेट के बाद फुटबॉल भी काफ़ी यहाँ की लोकप्रिय है। मेरठ की फुटबॉल, जलंधर की फुटबॉल काफ़ी फेमस है। ऐसी कौन सी कंपनी जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है? देखिए हमारे कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी फुटबॉल ज़्यादा, एक तो कोस्को की है, निविया की है, HRS की है, HRS की फुटबॉल मेरठ में बनती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है जिनकी फुटबॉल काफ़ी फेमस है। इसके नाम से जी हाँ बिल्कुल।